अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। तो इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे व्यूअर्स, जो देखे सक्रांत पीछे जाना बैठा हुआ है, पता है दवाई लेने के लिए गए थे तो डॉक्टर ने मना किया कि अभी क्लाइंट जो है ना स्कूल न जाए, तो ये जा भी नहीं सकता, पता है ये बात भी नहीं कर सकता, बेचारा रोता रहता है, शायद बीमार हो गया इस वजह से। ये हर वक्त तंग करता है, पहले तो बिल्कुल भी तंग नहीं करता, अब इतना तंग करता है ना बहुत ज़्यादा, दवाई भी मुश्किल से ही खाता है, वो भी मैं खिलाती है तो खाता है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? तो असल में अब खुद भी हम लोग जो है ना क्या कहते हैं कि परेशान है कि ये पहले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ना, ये सिर्फ लिखने पे जोर देता है, बोल तो सकते नहीं बेचारा, तो वो कहते हैं कि अब इसकी दिमाग की कमज़ोरी भी बढ़ती जा रही है, जितना ये जोर लगा रहा है पढ़ाई पर, जितना ये सब कुछ बोल तो नहीं सकता ना, तो उससे उसकी वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती जा रही है। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे, माशाल्लाह वैसे तो ठीक है, लेकिन जो है ना कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये जो है ना थोड़ा सा अगर पढ़ने बैठते हैं तो इसे चक्कर आते हैं, ये कांपने लगता है, इसे कुछ होने लग जाता है ऐसा लगता है, तो इसलिए आप ही बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें आगे, कि इसको पढ़ाएं या फिर जो है ना इसका मुकम्मल इलाज कराएं तो इस बेचारे की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो इलाज भी साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि होता रहे और ये पढ़ता भी रहे, लेकिन आप ही कहती है कि जिस तरह से डॉक्टरों ने कहा है वैसे करते हैं, कि इसको जो है ना अभी इसका दिमाग की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये खुद ब खुद इतनी रात को बातें करता है, जब नींद में आता है तो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो अब आप ही, मैंने आप ही पर छोड़ दिया, मैंने कहा आप ही अब आप जो चाहें वो करें, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे तो जो कुछ होना था मैंने किया है, इलाज भी कर रहे हैं, अब अल्लाह की मर्ज़ी के काम है, अल्लाह ताला इसे सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो जिस तरह से पहले पढ़ रहा था वैसे पढ़ता रहेगा आगे, लेकिन फ़िलहाल अभी सोच रहे हैं। और आप सब बहन भाई ने भी दुआ करनी है कि सकलाइन जो है ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और बहुत अच्छी लिखाई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा पढ़ता है, और अब पहले बीमारी से पहले छुट्टी तो खत्म हो गई लेकिन स्कूल नहीं गया, बीमारी से पहले सकलाइन बिल्कुल ठीक था, कभी इसने तंग भी नहीं किया था, और मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि सकलाइन तंग करेगा, ऐसे इसकी तबीयत बुखार आने की वजह से ऐसे हो जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था, पहले बिल्कुल बहुत अच्छा था, पढ़ता भी था, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, मैं सोचती थी कि शुक्र है अल्लाह ताला का, ये भी कैसे क्लाइंट जो है अपने काम तो खुद ही कर लेते हैं, अब तो ये देखिए इसका ये हाल है, अब सोचती हूँ क्या करूँ, अगर खुद अपना बाप हो ना तो वो सहारा होता है, सारे काम खुद करता है, अब सक्रांत भी बड़ा हो रहा है, और तो सक्रांत कहता है मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, हाँ चलो चलो जी तो आपसे मैं करे सुन, जैसा सकलान कहेगा ना वैसा करेंगे। पता है सकलान रोने लग गए, अब इसे पता है ये कहता है कि मुझे स्कूल जाने दो, इतना कमज़ोर हो गया, मैं कहती हूँ कि कुछ तो अच्छा हो जाए ना, इसकी तबीयत सेहत ठीक हो जाए, स्कूल में जब ये जाएगा तो वहाँ पे तो बंदा ऐसे नहीं बैठता ना, वो तो स्कूल का काम भी होता है, ठंडा मौसम के अंदर भी बैठे रहते हैं, कुछ खाने को भी नहीं मिलता, मैं तो पूरा दिन इसे कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ ना, तो कहते हैं सब बच्चे पर स्कूल गए हैं तो इसकी नई क्लास शुरू हो रही है ना, इसलिए तो ये कहता है कि मुझे नई किताबें मिलेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसे सेहत दे। अभी जो है ना मैं कुछ लकड़ी ले के नीचे जाऊँगी, पता नहीं आज जमीन में जो है ना कुछ पालक और कुंदलों का साग है ना वो डाला हुआ है। तो प्यारे व्यूअर्स, आज जुमे का दिन है, आप सब बहन भाइयों को जुमे का दिन मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी दुआ है, तो नीचे चलते हैं, पता है जुमे के दिन बंदा मसरूफ ही रहता है पूरा दिन, आधे समय गदले कुछ थोड़ी मिली है, नहीं गदले खत्म हो गई, और बाकी पालक है लकड़ी जो पतली है ना, जो कपास वाली लकड़ी है ना वो खत्म हो गई, मोटी लकड़ी कुछ ली है हमने तो वो गीली है, और कुछ पहले पहले पड़ी हुई है ना वही डालते हैं, बस ऐसे के नए चूल्हे जो आए हुए हैं ना
लिए तो है सब ने इस्तेमाल तो कर रहे हैं, गीली लकड़ी हो कुछ को वो जलती रहती है क्योंकि उससे जो ना चार्ज लगता है ना बिजली पे चलते हैं ना, तो मुझे उस पर जना जरा अच्छा नहीं, ऐसे की कोई चीज़ तैयार नहीं होती। लेंगे तो सही चाय के लिए आशा मैं कह रही हूँ ले लें शाम को और सुबह को, हम इधर ही बना लिया करेंगे तंदूरी पे क्योंकि रोटी पकानी होती है, तो बाकी का टाइम जो है ना चाय बनानी होती है, कभी मेहमान आ जाते हैं तो वो उससे इस्तेमाल करेंगे। तो हसन का काम देखें, ये जो है ना दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसे उधर किसी और दीवार के साथ बिठा दो ऊपर तो ये सारी ईंटें उतार देगा। से जो है इसकी नखरेगा देंगे ना, अब फिर हम पैसा हम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं ना सब कुछ, बड़े होकर फिर या मेहनत मजदूरी करेंगे पढ़ेंगे तो कुछ अच्छे इंसान बनेंगे ना। देखो बेचारा सकलैन है, उसका तो दिल करता है जाने का लेकिन वो जा नहीं सकता, वो भी तो है देखो वो सारा दिन अपने चेहरे को देखता रहता है शीशे में कि कब ये जख्म ख़त्म होंगे, अब तो सूखे हुए हैं कुछ ख़त्म हो गए थोड़े से रह गए हैं है ना। मैं ये बर्तन धो लूँ तो फिर चारा कब मैं ये थोड़ा सा सकलैन को बैठ जाए ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, इसने किसी के हाथ से लेकर नहीं खाता मैं, देखती हूँ दूध पिया था इसने, गोली खाई है नहीं खाई, गोली खाई नहीं खाई दूध वहाँ भी नहीं, मम्मी कहती थी है दूध सकलैन रोटी क्या नहीं खाती, सकलैन खाना क्या नहीं खाता ए, खाया ये देखो इसे पता नहीं इसके साथ इसके जख्म खुश कर रहे हैं तो देखो लगा रहे दवाई भी खुद लगाता रहता है सारा दिन लगाता है। तो ये देखें बर्तन जाना मैं बाहर लेके आई हूँ धोने के लिए, और हमारे यहाँ देख धूप निकली है, हमें तो लगता है बहुत सारे दिनों के बाद निकली है, पहले निकलती थी एक आध घंटा धूप निकलती थी उससे कोई इच्छा नहीं होता था, आज धूप निकली है तो कपड़े भी धोए हैं सुबह से है, जुमा था अबू नहा के ना उन्होंने कपड़े पहने वो तो जुम्मे पे चले गए हैं अब आने वाले होंगे, तो जो है ना सब बस ऐसे के छोटे मोटे काम करते करते दिन गुजर जाता है। वैसे मौसम बहुत अच्छे हो गए हैं हमारे यहाँ, अब जब ये पहला महीना ख़त्म होगा ना दूसरा महीना लगेगा तो धुंध वगैरह तो होंगे नहीं, रात को और दोपहर तक सर्दी होगी बाकी सर्दी नहीं होगी, फिर गंदम भी आ जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला, बस जल्दी से गंदम आ जाए फिर काम मेहनत मजदूरी को भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, अभी तो कुछ भी नहीं है। गंदम का तो ऐसे हाल है कि ना पूछें कि दाने इस मौसम में पहले ऐसे नहीं होता था, कितने साल गुजर गए हैं हम इतने बड़े हो गए लेकिन इतने ज़्यादा महंगे दाने हमने कभी नहीं लेके खाए, वही जो कि इस बार हो गए पता है 6,000 पे दाने मिल रहे हैं, 6,000 पे दाने मिल रहे हैं तो 6,000 पे आटा मिल रहा है तो 5,000 पे दाने मिल रहे हैं, जो है ना इतने महंगे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो तो ज़्यादा ही परेशान हैं बेचारे, जिनके खुद की जो ज़मीन नहीं होती वो बेचारे क्या करें, बस पेट ही मुश्किल से पालेंगे। तो पहली बार काम तो ऐसे चलते रहेंगे, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और हम दुआ करते हैं आप जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे सेहत दे, और इसी दुआ के साथ मुझे दे इजाज़त, कल फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।